गोरेला पुलिस ने 160 किलो गांजा मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए अंतरराज्यीय गिरोह के चार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। गोरेला पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग भारी मात्रा में गांजा लेकर ओडिशा से बिलासपुर रतनपुर के रास्ते होते हुए मध्य प्रदेश के अनूपपुर जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना के बाद गोरेला थाना और साइबर टीम ने खोडरी तिराहा के पास नाकेबंदी कर बिलासपुर तरफ से आ रहे वाहन रेनॉल्ट ड्राइवर और ब्रेजा कार को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को एक कार में 60 किलो और दूसरी कार में 100 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत 51,50,000 रुपए बताई गई है। पीएम को एक बड़ी कामयाबी मिली है, एनडीपीएस की कार्रवाई जिसमें 160 कुल 160 किलोग्राम गांजा और दो कार, 5 नग मोबाइल हैंडसेट, जिस प्रकार से कुल जुमला करीबन 51,50,000 का होता है, इसमें जिला जीपीएम के गोरेला थाना में कार्रवाई हुई है। इसमें चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम है विश्वनाथ राठौर, सोनू राठौर, प्रदीप पटेल और किशन पटेल, जिसमें से जो पहले के तीन हैं वो अनूपपुर जिला के हैं और जो आखिरी का किशन पटेल है वो शहडोल जिले में निवासरत है। तो ये घटना पूरी इस प्रकार से पुलिस को सफलता मिली कि पहले एक मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि ओडिशा से कुछ लोग गांजा लेकर आ रहे हैं, जो कि जिला जीपीएम से होते हुए थाना जतहरी और अनूपपुर जिला को जाएगा। तो फिर उसके लिए फिर एक नाकाबंदी लगाई गई खोडरी चौकी के आसपास, जिस पे फिर एक गाड़ी जो ब्रेजा आई उसको चेक किया गया और ट्रेबर जो गाड़ी आई उसको चेक किया गया, जिसमें अवैध गांजा परिवहन करते हुए चार लोग मिले, उनको फिर हिरासत में लिया गया और फिर एनडीपीएस की कार्रवाई शुरू की गई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे गांजा जब्त किया गया है और इस पूरे वारदात में उपयोग हुए दो गाड़ियों को भी जब्त किया गया है, साथ ही साथ उनका मोबाइल फ़ोन भी जब्त किया गया है। तो इस प्रकार से एक जिला जीपीएम को अवैध गांजा परिवहन के रोकथाम में तो एक बड़ी कार्रवाई हुई है। इसमें साथ ही साथ आपको बता दें कि जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें एक विश्वनाथ राठौर है, उसके खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले, कुछ गंभीर मामले जैसे कि दो एनडीपीएस की कार्रवाई उसके ऊपर पहले भी की जा चुकी है, आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की जा चुकी है और लूट के भी प्रकरण पंजीबद्ध हैं। उसी प्रकार से सोनू राठौर के खिलाफ भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इस प्रकार से जो आपराधिक प्रकरणों का हवाला देते हुए इनके ऊपर आगे भी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। अभी इसमें विवेचना की जा रही है, हो सकता है इसमें और आगे कुछ नाम खोले जाएंगे, अभी विवेचना पूरी नहीं हुई है तो ये बता पाना अभी संभव नहीं है।